अरे वो शाहरुख के लड़के के बारे में सुने, उसको ड्रग्स के केस में अरेस्ट कर लिया। अरे भाई उनका क्या है, वो तो बड़े बाप की औलाद है, उनके यहाँ पर तो नाश्ते में भी ड्रग्स चलता होगा, पर ड्रग्स करना तो गलत बात है ना। अरे भाई गलत बात है तो क्या हुआ, शाहरुख का लड़का है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको तो आसानी से पुलिस छोड़ देगी, पैसे खिला दिए जाएंगे। जो बातें अभी आपने सुनी, ऐसी ही बातें कल से सोसाइटी में चल रही है, यहाँ तक कि ज्यादातर मीडिया हाउसेस जो बड़ी बड़ी हैं उनके स्टूडियोज में भी कल से लगातार ये बात चल रही है। मैं आपसे आज इस पूरे केस से रिलेटेड कई सारे फैक्ट शेयर करने वाला हूँ, और सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इस ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम इंक्लूडेड नहीं होता तो इस पूरे केस को इतना ज्यादा लाइमलाइट ही नहीं मिलता। बस एक बार आपको एक पोस्ट देखने को मिलती कि हाँ फलाना फलाना क्रूज में इतना इतना ड्रग्स बस्ट किया, एनसीबी वालों ने काफी अच्छा काम किया, वाह वाह। लेकिन शाहरुख खान का नाम इंक्लूडेड होने की वजह से सिर्फ एक दो दिन नहीं, ये केस जब तक चलेगा शाहरुख खान के नाम पर मीडिया हाउसेस अपनी टीआरपी गेन करेंगे, चाहे उनको कुछ भी बोलना पड़े। सबसे पहले मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ इस केस से रिलेटेड आखिर शुरू में क्या हुआ। एक ऐसी क्रूज शिप जिसका इनॉग्रेशन सिर्फ दो दिन पहले हुआ, ये ट्रिप 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक चलने वाली थी, लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, इन अमीरजादों को अपने अपने जेल कस्टडी में जाना पड़ा। अरे तूने अमीरजादे कैसे बोल दिया, अभी तो तू बोल रहा था कि तू सच बताएगा, लेकिन तू अमीरजादे क्यों बोल रहा है। अमीरजादे मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि क्रूज में जो पैसे लगने थे टिकट के, उसके बारे में आप सुनेंगे तो एक आम आदमी काफी ज्यादा शॉक हो जाएगा। 60,000 रुपए से लेकर 5.5-6 लाख रुपए की टिकट उस क्रूज शिप की थी सिर्फ एक आदमी के लिए। सिर्फ यही एक वजह है कि मैंने कहा इन अमीरजादों को, जिसके बाद एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मैं आपको बता दूं, आपको सुनने में ये काफी आसान लग रहा होगा कि पुलिस गई वहां पर, एनसीबी के डिपार्टमेंट, उन्होंने रेड करा और काफी सारे लोगों को बाहर लेके आ गए, पूरा मामला सॉल्व हो गया। लेकिन 2 हफ्तों से लगातार एनसीबी की टीम अपना काम इस पूरे केस पर कर रही थी, रेस्टलेस नाइट, रातों को सोती नहीं थी उनकी टीम। उन्होंने अपनी सारी स्टेटमेंट्स में पूरी जानकारी रिलीज की, जहां पर उन्होंने बताया कि उनको इंटेलिजेंस की तरफ से एक टिप थी और एकदम बॉलीवुड स्टाइल में इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, इस पूरे क्राइम सीन को एकदम सही तरीके से किया गया, जहां पर सबसे पहले पुलिस वाले खुद एक ट्रैवलर, एक पैसेंजर की तरह उस बोट शिप में जाते हैं, जहां पर उस शिप के अंदर पहले से ही इनका एक आदमी मौजूद होता है जो इनको लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहा होता है, जिसके बाद एनसीबी की टीम भी इस बोट पर चढ़ती है, जिसके बाद वो लोग वेट करते हैं कि कब ड्रग्स का नशा शुरू किया जाएगा। और लगभग बीच में जब ये पूरा डेस्टिनेशन पहुंच जाता है, ये शिप बीच रास्ते में पहुंच जाती है, तो कई सारे लोग ड्रग्स करना उस शिप के अंदर शुरू कर देते हैं, जिसके बाद एनसीबी की पूरे डिपार्टमेंट ने उनको रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन से नाम ऐसे हैं जिनको ड्रग्स करते हुए एनसीबी के डिपार्टमेंट ने रंगे हाथों अरेस्ट किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद अब आपको सबको पता चल ही गया होगा कि शाहरुख खान के लड़के का नाम इसके अंदर जैसे ही आया, मीडिया हाउसेस ने अपना पूरा इंटरेस्ट इस केस के ऊपर दिखा दिया, जिसके बाद देश की इकोनॉमी से लेकर शाहरुख खान का लड़का ड्रगी, ये केस और ये टाइटल चारों तरफ चलने लगा। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान का इस केस में इन्वॉल्वमेंट होना, जिसके बाद पूरा बॉलीवुड एक तरफ और आम जनता एक तरफ। यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं बॉलीवुड के एक बहुत बेहतरीन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। उनकी डेथ के बाद उनको जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता ने भी ड्रग्स के बारे में और बॉलीवुड के बारे में इतना ज्यादा सीरियसनेस दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के दौरान बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के खिलाफ ड्रग्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही थी, और तब से लेकर अब तक लगातार कई सारे बड़े बड़े ड्रग्स के केसेस को बस्ट किया जाता है। यहां पर मैं आपसे अब डिस्कस करना चाहता हूं, बॉलीवुड में कई सारे लोग, बड़े सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो मेरे सामने फिलहाल निकल के आ रहा है वो ये है, सुनील शेट्टी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि उस 23 साल के लड़के को कम से कम सांस तो लेने दो, अपनी मीडिया ट्रायल्स अपनी मर्जी से मत चलाओ, कम से कम जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए अपनी अपनी स्टोरीज बनाना बंद करो।
ऐसे कई सारे और भी बहुत बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पक्ष में हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अरेस्ट की आपसे बात की जाए तो मीडिया हाउसेस ने उनका नाम आते ही सबने अनाउंस कर दिया कि आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन सच्चाई इस बात में नहीं थी क्योंकि तब तक आर्यन खान को अरेस्ट नहीं किया गया था, बस फॉर्मली उनसे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद अब उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मंडे को मजिस्ट्रेट के सामने उनको किया जाएगा, जिसके बाद नोटिस और उसके बाद जाकर कहीं अरेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इस पूरे केस में फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आर्यन खान का नाम इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से मीडिया कंपनीज को काफी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा टॉपिक मिल गया है डिस्कशन के लिए। फिलहाल मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस केस से रिलेटेड 8 ऐसे लोगों की जिनको इस केस में अरेस्ट किया गया, जहां पर अरबाज नाम का एक आदमी जो कि बताया जा रहा है आर्यन खान का काफी अच्छा दोस्त है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आप जानते ही हैं लोग कितनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन अपने से कर लेते हैं। ट्विटर पर कई सारे लोगों ने आर्यन खान और उस लड़के अरबाज के फोटोग्राफ्स शेयर करना शुरू कर दिया कि हाँ ये देख लीजिए इन दोनों के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है। मैं आपसे ये भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अभी फिलहाल रिपोर्ट्स की माने तो अरबाज नाम का जो वो आदमी है उसी ने आर्यन खान को इस पूरे केस में, इस पूरे पार्टी में इन्वाइट किया था। इस पूरे मामले में कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उनका यह भी कहना है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स को अगर देखा जाए तो उससे यह बात काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा डेली ड्रग्स किया करता था और डेली ड्रग्स मंगाता था। इस बात की रिपोर्ट्स के हिसाब से माने तो कुछ सच्चाई इसी तरीके की। लेकिन इस पूरे केस में सच्चाई जो है वो ये है कि एनसीबी की पूरे डिपार्टमेंट ने इस केस में काफी ज्यादा मेहनत की, जिसके बाद कई सारी चीजों को वहां से डिटेन किया गया, जैसे कि कई सारे ड्रग्स, कई सारी दवाइयां जो ड्रग्स की होती हैं, यहां तक कि लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास कैश को भी बरामद किया, जिसमें कई सारे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को इस पूरे केस में अरेस्ट किया गया है। जिसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आर्यन खान के जो लॉयर है, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था सलमान खान, संजय दत्त, रिया चक्रवर्ती जैसे एक्टर्स के लॉयर सतीश मणि शिंदे इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बताया कि बेल की डिमांड की जाएगी क्योंकि पुलिस को आर्यन खान से रिलेटेड इस पूरे केस में कुछ भी नहीं मिला है, जिसके बाद बेल की अपील की जाएगी। मैं आपसे बात करना चाहता हूं आर्यन खान की मॉम गौरी खान को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा गया, जहां पर वो हाईकोर्ट की तरफ अपना कर रही थी। वहीं शाहरुख खान की आपसे बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म पठान की शूटिंग स्पेन में होने वाली थी, जहां पर दीपिका पादुकोण के साथ एक काफी बड़ा सॉन्ग शूट करने वाले थे। 150 से ज्यादा डांसर्स वहां पर मौजूद थे, जर्मन से कई सारे ड्राइवर्स को भी बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल जितने भी लोग सेट पर मौजूद हैं सबको स्टैंड बाय पर कर दिया गया है, क्योंकि इस बात पर काफी ज्यादा क्लैरिटी है कि आर्यन खान का यह केस जब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में चलेगा तब तक शाहरुख खान या उनकी वाइफ कहीं भी नहीं जाने वाली, क्योंकि गौहर खान का भी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसके लिए वो देश छोड़कर बाहर जाने वाली थी, सभी चीजों को होल्ड पर कर दिया गया है और लोग अपना काम एलिगेशन लगाने का लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जो फैसला निकल के आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पूरी न्यूज स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।